Mr. Prime Minister, that was the question. What is that Shri Rajesh Pilot's letter? Devi Gowda ji, I have not passed orders about anybody or to hold an inquiry or to conduct an inquiry by the CBI in the last 10 months. But I have not interfered. I have not interfered in any case, including that of my own chief minister. My own party's prestige is involved here. Whether things are moving in the right direction or not, I do not want to comment on that. Your chief minister, kaun hai? ये पूर्व प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा मैंने इंटरफियर नहीं किया. इसका मतलब यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री से जब वो प्रधानमंत्री थे तो इंटरफियर करने के लिए कहा गया था मगर उन्होंने इनकार कर दिया. क्या इसीलिए नाराजगी हुई? क्या इसीलिए उन्हें हटाने का षड्यंत्र किया गया? अध्यक्ष जी, एक सेकंड. अध्यक्ष जी, आदरणीय अटल जी से मैं महसूस करता हूं कि वो ठीक बोल रहे हैं और निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा उस भावना को लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग भी बहुत से केसों में फंसे हुए हैं. उन्होंने किसी मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है. ये बात उन्होंने कही थी, अपने दिल से कही थी, उस दिन दिल से बोल रहे थे, इसलिए उसको इस संदर्भ में इधर उधर मोड़ना ये वाजिब बात नहीं. ये वाजिब बात नहीं. अध्यक्ष महोदय, मैं कोई तोड़ मोड़ नहीं कर रहा हूं. मैं शब्दों का सीधा साधा अर्थ निकाल रहा हूं. उन्होंने ये साफ कहा कि जिन पर आरोप है और जिनकी जांच हो रही है उनमें एक उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री भी है. यही तो मैं कह रहा हूं. मगर यादव जी, आपको थोड़ा मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए. कृपया बता दीजिए सदन को वो कौन मुख्यमंत्री है. ये आप भी जानते हैं. नहीं, लालू प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हैं. फोर्डर स्कैम की इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी के कोई नतीजे नहीं आए हैं. उसके पहले ही शक कर देना, इसके पहले ही कोई चीज को इशारा कर देना, ये वाजिब नहीं. अटल जी, अध्यक्ष जी, अडवाणी जी के ऊपर आरोप रहा, एक मेंबर ने हमने कभी नहीं कहा होगा कि वो वाजिब है. कोई हमने नहीं कहा, बड़ी हो गया, हमने नहीं कहा. आपसे भी कह रहा हूं मैं कि एक इंक्वायरी चल रही है और अभी कोई बात फैसला नहीं आया है. इसके पहले भी आप कोई मोटिव रखेंगे, ये वाजिब बात नहीं. अध्यक्ष जी, मेरे मित्र श्री शरद यादव श्री लालू प्रसाद यादव की अडवाणी जी के साथ तुलना न करें. अडवाणी जी पर आरोप लगा, अडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी, पार्लियामेंट आने से मना कर दिया और कहा कि जब तक आरोप हटेगा नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा. और आपके मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में भेज दिया गया तो वहां से भी मुख्यमंत्री का नाम चढ़ाए. अटल जी, आप अकेले ऐसा मत समझिए, इस पार्टी में भी लोग हैं. मैं भी था सदन में इसमें. और आप कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी इस सदन में हम भी थे, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमको भी यहाँ फंसाया गया. और सच्चे लोगों का आज भी जो बिहार में है पानी का दूध होगा, तब आप कोई बात कहेंगे तब मैं मानूंगा. इसके पहले मत कहीं तुलना जो है. हाँ ठीक है, हम लोग मतलब है ना, बहुत हजारों वर्षों में पहली बार आए, हमारी रात की तुलना नहीं हो सकती. वाजिब बात है. आपकी जवाब बहुत बढ़िया है, ये पूरा सदन आपका है, हम सब जानते हैं. लेकिन ऐसा मत करिए कि हमारे ऊपर आरोप लगने के पहले लग जाए तो जरूर आप कहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा. कंपैरिजन करना और तुलना करना, सही बात कर रहे हैं आप. हमारी तुलना नहीं हो सकती है, हमारी उनकी तुलना नहीं हो सकती है, आपकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती है. हम जब बोलेंगे हमारी बात नहीं छपेगी, आपकी सब पूरी बात छपेगी. हम सब जानते हैं इसको. बात मत करिए, इसको इस बात को मत लगाइए. यानी इस सदन में आप भी बोल रहे हो सदन पर और मैं भी बोल रहा हूँ. आपका पूरा बयान पूरे देश में छपा है और मेरा 5 लाइन नहीं छपा है. हम आ गए, आप में अंतर है, जरूर अंतर है.
आप जो अभी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, आप वर्ण के मतलब वर्ण के और प्रभाव के आदमी है चल जी, इसलिए आप इसलिए मौज में है। हम में आप में जरूर अंतर है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी आपकी तुलना नहीं हो सकती। मुझे अफसोस है कि सारे विवाद में मीडिया को घसीटा जा रहा है। ये 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 तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कभी मेरा वक्तव्य भी नहीं छपता, दो बार नहीं हम कहेंगे, और आपका छपता। आपने कहा कि ठीक कहा, मैंने सच में नहीं, मैं यील्ड नहीं कर रहा। आपने अध्यक्ष महोदय, मैं स्थान ग्रहण नहीं कर रहा। अदालत ने जब मुजफ्फरनगर की घटना में मुझे निर्दोष साबित किया है, आप रोजाना कर दे, आप और रोजाना आप बोलते हो कभी सदस्यों को नहीं स्वीकार करते। अगर यही बात हो अध्यक्ष महोदय तो बहुत सी बातें निकलेंगी, बहुत सी बातें मेरे पास अभी निकलेंगी, ऐसा मत समझिए, लगातार में निकलेंगी। हम बोल रहे हैं जब जज का जजमेंट आ गया है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं, उसके बाद ही एक यह बात है, एक रोजाना बोला जाता है। और अगर ये है तो एक एक खास देखी जाएगी तो बाकी को पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो नए प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि जिनके भी खिलाफ अभियोग हैं, सीबीआई जांच कर रही है या जांच करने लायक केस है, उनकी ठीक तरह से जांच हो, मामले जहां अदालत में हैं वहां किसी तरह का दबाव डालने का प्रयास न किया जाए, किसी मामले पर लीपा पोती नहीं होना चाहिए, मैं इतना सा आश्वासन चाह रहा हूं। और ये इसीलिए मैंने आज बीच में भी सवेरे जब प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे तो मैंने और उन्होंने कहा कि विच हंटिंग नहीं होना चाहिए, तो मैंने पूछा था क्या विच हंटिंग हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है। और अगर विच हंटिंग होगा तो उसको रोकने के लिए भी अदालत है, न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए, यह न्याय का तकाजा है, कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन देवेगौड़ा जी ने उस दिन जो कुछ कहा उसको मैंने आपके सामने उद्धृत कर दिया है, और वो शब्द स्वयं बोलते हैं, वो संकेत देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न का और उल्लेख करूंगा, सांप्रदायिकता का। सेक्युलरवाद खतरे में है, इसलिए जो भी सेक्युलरवाद के हामी हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने के बाद आपस में लड़ते भी जाएं, फिर जब इकट्ठे हों तो सेक्युलरवाद का नाम लें। ये कब तक चलेगा? हम बढ़ रहे हैं और जो सेक्युलरवाद कि जरूरत से ज्यादा दुहाई दे रहे हैं। सेक्युलर वाद तो देश को होना चाहिए, वादी होना ही चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा था, और ये देश हमेशा सेक्युलर वादी रहेगा। लेकिन इस सवाल पर कहीं आत्ममंथन है, कोई अपने गरेवान में मुंह डालकर देखने के लिए तैयार है कि हो क्या रहा है? 1996 मैंडेट, इट्स मीनिंग एंड मैसेज, वी एंड गाडगिल।